हाय, तो मेरा नाम है अतीत। आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो विच इज़ बेटर फॉर बिगिनर्स जो जिम में जाते हैं उनके लिए। और मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ, मैंने कोई जिम में सर्टिफिकेट नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये मैं सजेशन दे रहा हूँ बिकॉज ये जो मेरी जिम की जर्नी है उसमें जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उससे मैं आपको बिगिनर्स जो जिम में जाते हैं उनके लिए सजेशन दे रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैं शॉर्ट्स पहन के आ गया, इतनी गंदी तरह फट गई बिकॉज 13 डिग्री सेल्सियस था। उसके साथ साथ बहुत सारा पवन आ रहा था। कोई बात नहीं, कैम छो एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग एवरीवन। आई होप यू ऑल राइट। हाँ, गोल्डन कॉफी। तो आज मैं जिम में करने वाला हूँ चेस्ट और ट्राइसेप। तो जल्दी से मैं जिम के लिए निकलता हूँ, उससे पहले मैं अपने प्री वर्कआउट में लेने वाला हूँ आज एज यूजुअल एज इट इज़ का क्रिएटिन और एक एप्पल, जिसमें करीबन 80 ग्राम्स कैलोरीज, हाँ 80 ग्राम्स कैलोरीज और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो एप्पल मैंने आपको घर पर बताया था वो अभी मैंने खाया नहीं। जल्दी से मैं जिम में आ गया लेकर, तो आज की हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है नॉर्मल पुशअप्स एंड इंक्लाइन पुशअप्स। मैं दोनों के 3-3 सेट्स लगाता हूँ, एवरी सेट्स 30 रिपीटेशंस करता हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ओनली 10 रैप्स लगाओ, 30 रिपीटेशंस में मत जाना। और इंक्लाइन पुशअप में आप अपने हिप्स को अप करके चेस्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं, इससे आपकी चेस्ट ब्रॉड होगी। तो आज की हमारी दूसरी एक्सरसाइज है इंक्लाइन बारबेल प्रेस। इसके मैं 4 सेट्स लगाता हूँ, एवरी सेट्स 18-20 रिपीटेशंस करता हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो तो लो वेट से स्टार्ट करना, थोड़े हाई वेट में अभी मत जाना बिकॉज आपको रिपीटेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की हमारी तीसरी एक्सरसाइज है डिक्लाइन बारबेल प्रेस। इसके मैं 4 सेट्स लगाता हूँ एंड 18-20 काउंट्स करता हूँ। अगर आप बिगेनर्स हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम वेट रखें बिकॉज आपको रिपीटेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चेस्ट की आखिरी एक्सरसाइज डंबल प्रेस। अगर आप बिगेनर्स हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसके सेट्स में थोड़ा ज़्यादा वेट लेकर सेट्स लगाएं बिकॉज इसमें आपकी अच्छी खासी चेस्ट इम्प्रूव हो सकती है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। मैंने भी ट्राई किया, मेरी भी चेस्ट बहुत ज़्यादा और बहुत कम टाइम में इम्प्रूव हुई। तो आज की हमारी 5वीं एक्सरसाइज और ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज का नाम है स्कल क्रशर्स। मैं इसके 4 सेट्स लगाता हूँ टिल फेलियर तक। मतलब अगर आपका हाथ कहे कि बस ख़त्म, तब तक आपको रिपीटेशंस करने हैं और आप एक ऐसा वेट चुनिए जो आपको लगता है कि मैं रिपीटेशंस ज़्यादा कर सकता हूँ। आपका ट्राइसेप अच्छा खासा इम्प्रूव होगा। आप वीडियो में देख सकते हो मेरा ट्राइसेप बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है इसमें, और आपका जो बैक ट्राइसेप है वो बाहर निकलेगा इससे। तो आपकी एक्सरसाइज में ज़रूर ऐड करना ये एक्सरसाइज। तो
आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है केबल पुश डाउन। इसके मैं 4 सेट्स लगाता हूँ टिल फेलियर तक। सेम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, लो वेट रखें और ज़्यादा रिपीटेशंस कर दें। तो इससे आपके ट्राइसेप जो मैं फ्रंट ट्राइसेप है ये थोड़ा बाहर निकलेगा, ज़्यादा बाहर निकलेगा। मैंने भी ये एक्सरसाइज ज़्यादा की है, इसकी वजह से मेरा ट्राइसेप थोड़ा ज़्यादा बाहर निकल रहा है। आपकी एक्सरसाइज में ज़रूर ऐड करना। तो बेसिकली ये आज का मेरा डिनर है, इसमें है पिज़्ज़ा पॉकेट और इसकी चटनी है। आई नो थोड़ा मैदा है इसमें, कल ही मैंने कहा था कि मैदा खाना छोड़ दो, एक दिन वीक में चीट चलता है, कोई बात नहीं। चलो उसको ओपन करता हूँ और डिनर करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। लिटरली बहुत अच्छा है पिज़्ज़ा पॉकेट। अगर आप पेटला से हो और पेटला के आजू बाजू से, तो सैफ्रन होटल के बाजू में जो नया कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे 3rd फ्लोर पे कौन सा नाम था, MS फूड नाम का कैफ़े है, वहाँ पे पिज़्ज़ा पॉकेट मिलता है ओनली 30 रुपीज़ का, बहुत अच्छा है। चीज़ पफ खाने से अच्छा ये पिज़्ज़ा पॉकेट ट्राई करना, 30 रुपीज़ में बहुत अच्छा है, एक बार जरूर ट्राई करना। एंड दिस इज द नेक्स्ट डे। तो आज बड़ा आराम से उठा, बिकॉज सैटरडे है, कोई भी काम नहीं, कोई भी लेक्चर नहीं, आज के क्लास भी नहीं, और पूरा दिन चिल करूँगा आज। और जस्ट उठते ही मैं अपनी बना रहा हूँ कॉफ़ी, उठते ही मतलब नहा धो के। बहुत अच्छी कॉफ़ी है, बिकॉज इतना सा शुगर मैंने ऐड किया ज़्यादा, बिकॉज आज मुझे थोड़ा शुगर ज़्यादा खाना था। वैसे तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उन लोगों के लिए शुगर कम कंज्यूम करना चाहिए, मगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग नहीं करता, एक्सरसाइज और जिम ही करता हूँ सिर्फ, तो इतना सा शुगर तो चलता है ज़्यादा, कोई बात। तो आज दोपहर को थोड़ा ज़्यादा ही सो गया, इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा नींद में लग रहा होगा, कोई बात नहीं। वैसे तो जिम के लिए लेट हो ही गया हूँ, राइट नाउ 4:30 हो गया, कोई बात नहीं, चलता है आज, बिकॉज आज इतनी भीड़ नहीं होगी जिम में, बिकॉज आज लेग्स डे है, कोई आता नहीं है जिम में, इसलिए आज पूरा जिम खाली मिलेगा आपको। और एज़ यूजल एवरी डे मैं अपना, तो ये तो मैंने पी लिया एज इट इज़ का क्रिएटिन, अभी आज मैं 2 किलो लेने वाला हूँ, बिकॉज आज लेग्स डे है, थोड़ा ज़्यादा वेट पुल अप करूँगा इसीलिए। तो आज की हमारी पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स एंड जंपिंग स्क्वाट्स। इसके मैं 3 सेट्स लगाता हूँ, एवरी सेट्स 20 काउंट्स करता हूँ। अब अगर आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, मगर लेग्स को ज़रूर ट्रीट कीजिए, बिकॉज जिम में जो लोग आते हैं वो लोग लेग्स डे स्किप करते हैं, मगर मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि लेग्स डे कभी स्किप मत करना, बिकॉज आपकी अपर बॉडी बनाने के लिए आपके लेग्स हार्ड होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। आपकी अपर बॉडी में जो आप वेट पुल करोगे उसमें आपके लेग्स बहुत आपको हेल्प करेंगे, तो लेग्स डे कभी स्किप मत करना, ये मेरा सजेशन है। तो आज की हमारी दूसरी एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट्स।
इसके मैं 3 सेट्स लगाता हूँ, एवरी सेट 20 काउंट्स करता हूँ। मैं सजेशन करता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज अपनी रूटीन एक्सरसाइज में जरूर ऐड करना, बिकॉज ये आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, सुमो स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी, तो ये एक्सरसाइज जरूर ऐड करना। तो आज की हमारी तीसरी एक्सरसाइज है स्प्लिट स्क्वाट, जिसके मैं 3 सेट्स 20 काउंट्स करता हूँ। ये एक्सरसाइज आपको बॉडी के बैलेंस मेंटेन करके करनी होती है, तो और ये लेग्स के जो फ्रंट लैटरल है उससे बाहर निकालता है, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आप जरूर परफॉर्म करना। तो आज की हमारी चौथी एक्सरसाइज एंड लास्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग कर्ल, इसके मैं 3 सेट्स 20 काउंट्स करता हूँ। ये आपको ये एक्सरसाइज आपके हिप्स के नीचे के एरिया को पूरा स्ट्रेच करता है एंड टाइट रखता है। इससे आपकी जो लेग्स आप पुल अप करोगे इसमें आपकी स्ट्रेंथ बनाएगा, तो ये एक्सरसाइज मैं प्रिफर करता हूँ आपकी एक्सरसाइज में ऐड करने के लिए। और एक बात, ये एक्सरसाइज आप लो वेट में करना, तो आपकी हैमस्ट्रिंग थोड़ी अच्छे से स्ट्रेच होगी। थैंक यू। तो मैं वीडियो को छोटे से पार्ट में समराइज करूँ तो पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से लगाना, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि विच इज़ बेटर फॉर यू, तो मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है अब तक जिम में, तो मैंने मेरे एक दोस्त को भी देखा है कि उसके लेग बेटर नहीं थे, इसकी वजह से उसके अपर बॉडी में प्रॉब्लम आ रही थी, अच्छे से वेट अप नहीं कर पा रहा था। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने लेग्स को अच्छे से बनाइए, उसके साथ साथ अब अपनी अपर बॉडी को भी बनाइए, तो आपकी बॉडी अच्छे से शेप लेगी। अगर आप अपनी अपर बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देंगे और लेग्स पे कम, तो आप ज़्यादा वेट गेन नहीं कर पाएंगे, मीन्स गेन मीन्स आप ज़्यादा वेट पुल अप नहीं कर पाएंगे। तो अगर तो आपके लेग्स अच्छे होंगे तभी आप अपने अपर बॉडी को अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे विथ हाई वेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ मैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड। जय हिंद, वंदे मातरम, आओ जो। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वर्कआउट पे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।